वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों के सामने ये देखिए इसमें क्या है, नीट यूजी 2020 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें देखिएगा कि फ्री गिफ्ट ऑफ थ्री आंसर्स बाय एनटीए, थ्री आंसर्स यानी 12 नंबर का आपको गिफ्ट इसमें कैसे मिला है। ये देखिए इसके प्रश्न पत्र के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, इसको देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यह है बीटी कॉटन, यहाँ देखिए इस प्रश्न पत्र के अंदर ही तीन प्रश्न का जवाब छूटा हुआ है, जवाब दिया हुआ है। इसको हम लोग देखें कैसे हम लोग इसको करते हैं और इस तरह से हम लोग फायदा ले सकते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेली डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी इज रेसिस्टेंट टू, ये क्वेश्चन है, इंसेक्ट पेस्ट, फंगल डिजीज, प्लांट नेमेटोड एंड उसके बाद है इंसेक्ट प्रीडेटर्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जो कि इसके बाद आया है बहुत से प्रश्न पत्र में, एक मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ये मिल गया कि बीटी कॉटन जो है बैसिलस थुरिंजियंसिस से रिलेटेड है। अब इसमें आपको मैच करना है कॉलम वन टू कॉलम टू, यहाँ बीटी कॉटन जीन थेरेपी, दूसरा है एडेनोसिन सेलुलर डिफेंस, यहाँ है उसके बाद आरएनएआई और पीसीआर इस तरह से दिया हुआ है, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी एंड बैसिलस थुरिंजियंसिस। अब आप इस वो जो प्रश्न पत्र था उससे आप वहाँ ले लिए इस चीज़ को कि बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है बीटी कॉटन से रिलेटेड है। अब ए का फोर इसमें देखिए, ए का फोर एक ही आंसर है, सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ जिसमें क्वेश्चन नंबर वन में ए का फोर है, बाकी किसी में फोर नहीं है। तो इस तरह से ये आपका सही हो गया, 4 मार्क्स इसमें हो गया। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। सपोज हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते लेकिन उसके हेल्प से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते लेकिन इससे कैसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसको देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, इसमें नाम दे दिया हीमोग्लोबिन, लैक्टिन, कोलेजन एंड इंसुलिन, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं जानते लेकिन ये पता लग गया कि ये चारों प्रोटीन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और यहाँ पर दिया हुआ राइसिन, मेलोनेट, काइटिन एंड कोलेजन। अब जैसे हमको इस क्वेश्चन से पता लग गया कि ये सभी जो है प्रोटीन है, ठीक है। अब कोलेजन इसमें यही कोलेजन यहाँ आया है, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सिंपल सी चीज़ है, ये सभी जानते हैं कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और न्यूक्लिक एसिड में एस्टर बॉन्ड है। तो इससे हमको ये मदद मिल गया कि कोलेजन है तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको लिंक कर दीजिए बी का फोर, यहाँ देखिए बी का फोर कर दीजिए। लेकिन इसमें दो आंसर है, दो प्रश्न ऐसा है जिसमें बी का फोर आंसर दिया हुआ है, एक दूसरे में भी दिया हुआ आपका थ्री में। तो इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना, इसके लिए क्या करना होगा, 50% तो हम सॉल्व कर लिए इसके हेल्प से। अब ये फंगस में है, सेल वॉल मटेरियल फंजाई, ये मोस्ट कॉमन चीज है, बाकी हम लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं पता है हमको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मान लीजिए भूल गए हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये काइटिन का जो फंगस जो सेल वॉल है इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ये काइटिन का होता है। सिर्फ दो ही पूरे जो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम जो भी, दो ही में काइटिन का सेल वॉल होता है, एक फंगस में और दूसरा इंसेक्ट में। ये बहुत स्ट्रांग मटेरियल है काइटिन, लेकिन लाइट मटेरियल है, तभी तो फंगस उतना ज़्यादा नहीं तो चल ही नहीं पाएगा, अपने शरीर के वजन से हैवी हो जाएगा, और इंसेक्ट्स जो तितली वगैरह ये उड़ती हैं उसमें वो काइटिन का उसका ये है, वेरी स्ट्रांग मटेरियल बट लाइट मटेरियल, हल्का होता है, ये दो ही में होता है, ऑर्थोपोडा में इंसेक्टा ऑर्थोपोडा जो है और दूसरा फंगस में। तो ये यहाँ पर हम लोग देख ले तो 50% तो इससे सॉल्व हो जाता है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए तो 4 and 4, 8 marks आपका हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में रिपीट हुआ है, ये आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड, इसमें ये क्वेश्चन है बायो में, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, और यहाँ केमिस्ट्री में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। ये क्वेश्चन जो मतलब मिल जाते हैं टैली करते हैं
या उसका उसका कारण यह है कि ये सभी जो क्वेश्चन सेट होता है केमिस्ट्री के अलग सेटर हैं, बॉटनी के अलग हैं और जियोलॉजी के अलग हैं, तो उनका आपस में किसी से कोई तालमेल नहीं रहता है। इवन कि वो दूसरे को पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या क्वेश्चन सेट किया है, जबकि वो सभी कलीग हैं, आपस में ही रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। पता चल जाएगा, लीक हो गया तो पूरा उनका ये हो जाएगा, नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगा। तो इसलिए उनको पता नहीं रहता है किसी को कि क्या क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया। देखिए कैसे है, इसमें ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, लाइसिन एंड टायरोसिन, इसमें क्या है केमिस्ट्री वाले में भी, केमिस्ट्री में दो सेम है, लाइसिन एंड टायरोसिन, एलेनिन और सेरेनिन आप उसको छांट दीजिए, ठीक है। अब इसी दोनों में से आंसर है, ये तो पता लग गया हमको, बायो में ये दोनों, ये और केमिस्ट्री में ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब आंसर इसी दोनों में से है। अगर हम 50% चांस लेकर के एक में लाइसिन टिक करते हैं, दूसरे में टायरोसिन करते हैं, तो भी 4 मार्क्स हो गया हमारा। कितने मार्क्स हो गए, 4, 4, 8 एंड 4, 12, टोटल 12 मार्क्स। जो बॉर्डर लाइन केस है उन लोगों के लिए ये गिफ्ट ऑलरेडी दे चुका है नीट, वो आंसर शीट में आपका जो है आंसर से जो है पेपर जो है क्वेश्चन में ही आंसर इंक्लूडेड है। तो ये इस तरह से इसको अगर गौर से हम लोग करेंगे, समझेंगे उसको, तो कुछ प्रश्न के आंसर जो हर साल उसके अंदर ही छुपा रहता है, लेकिन उसको थोड़ा पीसफुल माइंड से पढ़ना होगा और इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैनल आप लोग को कैसा लगा ये बताएंगे, और फिर बहुत जल्दी ही हम आएंगे। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक भी दीजिए, ताकि हम और एक बेहतर रूप में आपको जो है ये पेश कर सकें, अपना जो मटेरियल है और बढ़िया ढंग से पेश कर सकें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दी वीडियो।